भाई इनके नतीजे के ऊपर नहीं है, हम तो कुदरत वाले के नतीजे के ऊपर हैं। हम फसल बोवें साल भर लो इंतजार करें, और जब वह पक के आवे फिर कोई आपदा आ जा फिर दूसरी बोल लगे तो साल भर 6 महीने नहीं 6 साल भी हो जाएंगे, किसान जू का तू बैठा रहेगा। तो कुदरत तो आप पे बारिश कर रहा है, कल ही बारिश कर रही, मारे बारिश मारे फायदे की हो रही, हमने पानी देने पड़ते पड़े करने पड़ती, कुदरत ने कर दी न्यार बोगे एक बोरे आराम से। लेकिन सरकार ने तो मोदी जी ने सौगात दे दी आपको, डीएपी पर रेट कम कर दिया, 1200 रुपए सब्सिडी दे दी। कहाँ कर दी, 2400 का इकट्ठा करके हमें 2400 देने पड़ेंगे। जैसे गैस पे सब्सिडी दी है 1-2 साल दे के इसे खत्म कर देंगे, हमें 2400 का ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन ताओ सरकार सुन भी नहीं रही है, लंबा कौन खींच रहा है, इसे सरकार या किसान नेता खींच रहे? किसान या सरकार खींच रही, किसान तो इस मूड में है अगर ये कानून वापिस ले लें तो तड़की चले जा। लेकिन सरकार जो सोच रही अब हम कानून वापिस ना ले रही है चले जा, इतने ये बिल्कुल नहीं जा। सरकार ने तो कह दिया कानून तो वापस नहीं होंगे। नहीं तो हमने भी कह दिया हम भी इतने नहीं जाएंगे इतने। तो फायदा क्या हुआ इससे? फायदा ही हो रहा, हम आंदोलनकारी हमेशा पड़ी रहे, जितने आंदोलन हुए आजादी के टाइम पे भी जो आंदोलन हुए आंदोलनकारी आंदोलन करते रहे, सरकार अपना काम करती रही। पर सरकार ठीक कह रही है, आंदोलन जीवी नहीं है, ये है परजीवी। हम आंदोलन जीवी नहीं है, हमें तो आंदोलन करने का हक है, करते आए हैं, आजादी के लिए आंदोलन चला। गांधी जी ने 1917 में आंदोलन शुरू करा और 42 तक चलता रहा शांति प्रिय, 42 के बाद क्रांति आई, सरकार जाती रही, अंग्रेज गई। इस सरकार पे आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले 7 सालों से जितने आंदोलन हुए सब विफल रहे। अरे इन पे फर्क पड़ गया, अब जो इलेक्शन हुए इस पे और 22 में जो इलेक्शन होंगे इनकी जड़ी उखड़ जाएगी, इन पे सारा फर्क पड़ जाएगा। इस इलेक्शन पे कैसे फर्क पड़ गया? और जब तक हम यही रहेंगे अगर ये नहीं मानेंगे तो। इस इलेक्शन में कैसे फर्क पड़ गया? ऐसे फर्क पड़ गया, देख ले जिला पंचायत के प्रधानी के कितने नुमाइंदे हुए, इनके जिला नहीं बचा पाए। कौन? किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गया। कौन हार गया? भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष जिला पंचायत का चुनाव हार गया मुजफ्फरनगर। नहीं आ रहा, जितने हमारे एरिया के मेरठ के भी थे सारे जीत का है, हमने एक भी भाजपा का नहीं। हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ झूठ बोल रहे हो, तुम उनकी नुमाइंदगी करते हो झूठ बोलते हो। मुजफ्फरनगर तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, क्यों तुम उनके चमचे बन रहे हो? मतलब हम सही बात बता, हाँ मीडिया सारी उनके चमचे बन रहे, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे। जिले मेरठ में हमने एक भी भाजपा का जिला पंचायत नहीं होगा। मुजफ्फरनगर जिले में कितने सीट जीती है? मुजफ्फरनगर जिले में बीजेपी? मुजफ्फरनगर का नहीं, हम जिले मेरठ के रहने वाले, हमने मुजफ्फरनगर की नहीं मेरठ की बात करी, हमने मेरठ की बात करी। बात कर रहे थे ना कि यहाँ से जितने लोग खड़े हुए तो सब जीते, तो मुजफ्फरनगर के भी तो लोग थे। मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर जाने, हम किसान यूनियन मेरठ हैं समझे, और वहाँ भी एक आदमी जीत गया, आप उसे कह रहे एक आदमी हार गया। अरे न्यू देखो परसेंटेज कितनी रही है, मतलब घर परसेंटेज देखो, ठेका पूरे घर नहीं आ रहा, परसेंटेज देखो क्या रही। ये तो एक आधा कहीं ना कहीं उसके कर्म खराब होंगे या उसे किसानों ने किसी तरह से दुत्कार दिया होगा, वो हार गया। एक हार गया, 100 जीत गया उनका जिक्र नहीं करते, एक के हारने का आप जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब ये आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर का ज्यादा असर पड़ेगा ना इस बात को मानो। नहीं इतना ही मेरठ, इतना ही बुलंदशहर, इतना ही बागपत, सब जिले एक से हैं। पर मेरठ में तो राकेश टिकैत नहीं है ना? कौन? मुजफ्फरनगर में ही है ना? अरे बहुत राकेश टिकैत, हम सब राकेश टिकैत ही तो है और क्या है हम जब हम राकेश टिकैत को अपना नेता मान ले तो हम सब राकेश टिकैत है। 3 महीने से गायब होता? नहीं 3 महीने से नहीं, 1 महीने से गायब, वो बीच में हो गया यहाँ, आप नहीं आए तो मेरी क्या खता। मतलब हम खेल जा रहे हैं और वो भी इस वजह से, हमारे लड़के की बहू को कोरोना है, वो एडमिट है, इस वजह से अच्छा दिक्कत में। अब क्या भविष्य नजर आ रहा है? किसान नहीं जाएगा, सरकार जाएगी 24 में। भविष्य यो नजर आ रहा भाई, किसान तो अपना आइडिया रहेगा, यो नजर आ रहा। पर सरकार भी घनी कैडी हो रही है, कैडी होती रहो, नहीं जी गाड़ी गुड़ी किसी नहीं दे, सरकार भी घनी कैडी हो रही है, कैडी तो पड़ी होती रहो, हम भी नरम नहीं हो रहे, हम भी कैडी। ये कहा जा रहा है कि आप लोग 3 महीने भाई, हम दो काम कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं और देश के लिए गल्ला भी पैदा कर रहे हैं, गेहूं ईख भी हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो रोज भावुक ही रहे हैं, तुम वह कह रहे होंगे उसने खाद के कट्टा पर 1200 रुपए की सब्सिडी दे दी है, खुशी की बात है, खुशी की बात है। वो गैस सिलेंडर पे भी तो दी थी सब्सिडी, आज कहाँ गई वो सब्सिडी? 1200 को कट्टा जब 2400 का हो जाएगा और कुछ दिन उसमें साल 6 महीने सब्सिडी की भी नहीं, 2-1 साल रख लें सब्सिडी,
ऐसे ही गैस सिलेंडर पर रखी थी, आज कहाँ है सब्सिडी? आज 900 से 850 का सिलेंडर मिल रहा है, इसी तरह ये दाम बढ़ा देंगे वहाँ के DAP के, और कोई सब्सिडी नहीं। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग 3 महीने के लिए चले जाओ, 3 महीने बाद फिर आंदोलन कर लेना, ऐसे कहीं होता है? गांव बसा है। अरे गांव में कौन बचाएगा हमको, यहाँ तो ये देख तो भी लिया किसी ने, गांव में कौन बचाएगा? हम जिस काम के लिए आए हैं उसे करके जाएंगे, ऐसे कैसे भग जाए? तो हिसाब की घर से घटना हुई, उसके बाद में तुम्हारी 11 सदस्यीय टीम ने समझौता किया था आपस में, मामला सुलझ गया, लेकिन उन्होंने फिर केस कर दिए। आप क्या कहेंगे? केस नहीं, जब आपका 11 सदस्यीय टीम ने समझौता हो गया था, हाँ। कि साहब ने ये कहा था ना हम आपके केस करेंगे ना वो करेंगे, केस किसने किया? लेकिन वो किसानों के ऊपर फिर केस हो गए, बोले हो जाएंगे किसान सब सुलझ लेंगे, किसान जेल जाने से नहीं डर पाएगा, किसान की समस्या ये 70 साल की है, ये सरकार जो हमें डराना चाहती है हम डर पेंगे नहीं भैया, या चीते ये हमारे पूर्वज मर गए यही समस्या झेले झेले, हम बुढ़े हो गए, हम बच्चों के लिए और अपनी खड़ी समस्या को छोड़ जाए, हम यहाँ से जब जाएंगे, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा, जो कह के आए हैं ये 3 अध्यादेश वापस हों, हमें MSP की गारंटी मिले, ये है हमारी लड़ाई। आपसे यह कहा जा रहा है 3 महीने के लिए चले जाओ, 3 महीने बाद फिर आ जाना, फिर जब 3 महीना हम कहा कर लेंगे, 3 महीना में हम क्या दुख दे रहे हैं, पैसे रोटी मांग रहे हैं, हम पानी मांग रहे हैं, अरे अपने आप गांवों से लाला के हम खा रहे हैं, हाँ इन्होंने डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, इन्होंने सब चीज तो बढ़ा रहे हैं यार, क्या करें? 1500-1600 रुपए, हाँ हम 3 महीना वहाँ क्यों जाएं भाई, हम अपने घरों को छोड़ जाएं यहाँ, ये हमारे तो ये कागज का महल है, किसानों ने अपनी झोंपड़ी बनाई है, ये आंधी मुड़ जाती है उन्हें दोबारा फिर सही करते हैं, हम तो जिन कितना कष्ट झेल रहा है किसान, इन पे से कोई पैसा ले रखे थे इस बात के, वोट दिया राजा बनाया, राजा बना करके अनीति की है इन्होंने हमारे साथ में, और सब ने की है एक बगल से, जब कुछ बन जाता है वो भूल जाता है किसान और मजदूर को। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब ये जो बरसात है इसमें हम पक्के मकान पक्के बनाएंगे, वो कौन पक्का निर्माण करेंगे? किसान इनकी जमीन कर सके, जब ये ना मानेंगे तो फिर तो ढींगरापनों भी होगा और का होगा, जब ना मानेंगे 24 व्यवस्था करेंगे, जो होगा उसे देखेंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि रोड है सरकार, जमीन है सरकारी, उस पे आप इस हम कौन है? सरकारी जमीन हम सरकारी नहीं है, हम नहीं है सरकारी, भाई हम सरकारी नहीं है, हम माल को मरवाते नहीं हुई, हमारा माल मर रहा है, हमारा दाम क्यों नहीं पूरा मिलता? अरे देश के भंडार भरेंगे, कीमत अपनी पूरी लेंगे, हमारी कीमत की लड़ाई है, ये जो 3 काले कानून आए ये पूरे देश के लिए हानिकारक हैं, ना कोई गरीब बचेगा, जैसे आज सिलेंडर के लिए त्राहे त्राहे दवाई के लिए हो गई है, ऐसे ही ये नाज गोदामों में भरने के बाद गरीब मारा जाएगा बेचारा, वो कहाँ से खाएगा रोटी? आप लोग हमेशा बोलते हैं 3 काले कानून, उसमें 3 में कोई 1 काला बताइए। तीनों ही काले।